परिसर में आयोजन किया गया और विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में मंत्री और विधायक योग आसन करते दिखे, लेकिन बीजेपी के सहयोगी जेडीयू का दूरी आसन भी देखने को मिला। विधानसभा में योग दिवस आयोजन, सहयोगी जेडीयू का दिखा दूरी आसन। तस्वीरें बिहार विधानसभा परिसर की हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में मंत्री और विधायक योग आसन करते दिखे, लेकिन जेडीयू के तमाम बड़े नेता नदारद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर 176 से ज्यादा कंट्री इसको स्वीकार किया है और इसको हम अपने जीवन का अंग बना लें, अपने दिनचर्या में शामिल कर लें, इस अभियान को आगे बढ़ाएं, इस उद्देश्य को लेकर के आज सभी जनप्रतिनिधि इसमें भागीदारी कर रहे हैं और ये बहुत सारे जनप्रतिनिधि तो अपने जिंदगी के प्रत्येक दिन इसको दैनिक जिंदगी में स्वीकार भी कर चुके हैं। ठीक है, जिसको हम लोग तो जागरूकता के लिए करते हैं, जो नियमित रूप से हम लोग अपने घर में करना वो तो एक अलग है। ये आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज विश्व पटल पर भारत का ये पर्व कह सकते हैं योग स्थापित हुआ, तो भारतवासियों को तो निश्चित रूप से इसको हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए और हर्ष और उल्लास से कोई भी चीज़ें आम लोगों के साथ मिल के मनाते हैं। देखिए, कुछ लोग दिखावा करते हैं और कुछ लोग अंदर से मानते हैं, तो दिखावा अंदर से करने वालों को तो अंतर होगा ही ना। कुछ लोग करें या ना करें लेकिन दिखाता ज़्यादा हैं, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। योग बहुत पुरानी परंपरा रही है, ये पतंजलि ऋषि पतंजलि का यह देन है कि शरीर स्वस्थ कैसे रहे। अब गया की तस्वीरें देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से आयोजित इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर दिखे। आज हमारा जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, बहुत ही सफलतापूर्वक इसका संचालन आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा किया गया। जितने भी प्रतिभागी आए उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और यही मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो योग की भावना अपने देश में सदियों से चली आ रही है। जेडीयू ने पिछले दिनों आरसीपी सिंह का राज्यसभा टिकट काट दिया। नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से उनके इस्तीफे की मांग भी पार्टी में उठ चुकी है। योग दिवस के आयोजन में उनकी मौजूदगी ने सियासी अटकलों को तेज कर दिया है। पटना से रुपेंद्र के साथ जयप्रकाश, सी मीडिया।